आपने बाइक और कार में स्पीडोमीटर तो देखा होगा, जिसका इस्तेमाल व्हीकल कितने स्पीड से चल रही है वो मेजर करने के लिए किया जाता है। पर कभी आपने ये सोचा है कि उस पर हमेशा 120, 160, 180 ही क्यों लिखा होता और आखिर व्हीकल उतना स्पीड कभी अटेंड क्यों नहीं कर पाता? तो चलिए जानते हैं। आमतौर पर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसके टेस्टिंग की जाती। टेस्टिंग के दौरान व्हीकल को एक कंट्रोल एनवायरमेंट में टॉप आरपीएम के साथ उसके टॉप स्पीड को मेजर किया जाता। उस दौरान व्हीकल के इंजन को एक ग्रेड फ्यूल और एक ग्रेड एयर दिया जाता। इस प्रोसेस को मिनिमम 200 से 250 बार किया जाता है, तब जाके उसका एक एवरेज वैल्यू निकाला जाता। अब मान लेते हैं अगर एवरेज वैल्यू 145 से 150 है तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर स्पीडोमीटर 160 वाला लगा देते हैं। ये तो हो गई टेस्टिंग की बात। मान लेते हैं अगर टेस्टिंग के दौरान व्हीकल का टॉप स्पीड 150 आ रहा है, परंतु वो व्हीकल इस टॉप स्पीड को कभी भी रोड पे अटेंड नहीं कर पाएगा। इसका मेन कारण रोड पे लगने वाली एयर रेजिस्टेंस और डिफरेंट रोड पे लगने वाली फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है।